दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी को टूटे हुए आज एक साल हो गया। 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों संग उद्धव से अलग हो गए थे और अपनी नई शिवसेना पार्टी बनाई। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और खुद सीएम बने। उद्धव गुट के नेता अब 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने की मांग कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा, हम महाराष्ट्र के लाखों लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजेंगे। उनके मुताबिक दुनिया में देशद्रोह की कई घटनाएं हुई हैं और महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल ऐसी ही एक घटना को देखा है। उद्धव ठाकरे ने सोमवार को शिवसेना के स्थापना दिवस पर एकनाथ शिंदे को लेकर कहा, कल गद्दार दिवस है, आप बाला साहेब ठाकरे का फोटो चुरा सकते हैं लेकिन लोगों के दिल से नहीं। आप फसल तो ले गए लेकिन खेत हमारे पास है। इससे पहले 18 जून को शिवसेना की महाराष्ट्र स्तरीय बैठक में आदित्य ठाकरे ने भी गद्दार दिवस को लेकर बात की थी। आदित्य ने कहा था कि 18 जून को फादर्स डे है, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो दूसरों के पिता को ही चुरा लेते हैं, वे गद्दार हैं। उद्धव गुट से पहले एनसीपी ने भी कुछ ऐसी ही डिमांड रखी थी। राकपा अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा था वह 20 जून को देशद्रोही दिवस मनाएंगे। एनसीपी कार्यकर्ताओं को राज्य के हर नुक्कड़ पर सांकेतिक पैसे के बंडल दिखाकर विरोधी प्रदर्शन करना चाहिए, जिसके आधार पर एकनाथ शिंदे सरकार सत्ता में आ गई। एकनाथ शिंदे ने खुद को गद्दार कहे जाने पर उद्धव पर पलटवार किया। सोमवार को शिवसेना के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में शिंदे ने कहा, पिछले साल 20 जून के दिन जो हुआ उसके लिए शेर का जिगरा चाहिए। शिंदे ने आगे कहा, आप हमें गद्दार कहते हैं लेकिन आपने कुर्सी के लिए बाला साहब के विचारों से गद्दारी की। अगर हमने गद्दारी की होती तो 40 विधायक हमारे साथ नहीं आते। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।